ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में एक बार हम लोग अगर सिलेबस पे नज़र डालें तो ये हमारा सिलेबस, और यहाँ पे OSI मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ISO ऑर्गेनाइजेशन, तो मॉडल, लेयर्ड आर्किटेक्चर, फंक्शन ऑफ द लेयर्स, मतलब पूरा को पूरा हम लोग कहानी पढ़ेंगे ISO OSI मॉडल का। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं OSI मॉडल क्या होता है। ठीक है, उसके पहले हम लोग समझेंगे कि ISO क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग ISO के बारे में। ठीक है, ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अब ये मेन होता क्या है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, मतलब अगर हम लोगों को कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, वो कुछ ना कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लगा के, या फिर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिसके थ्रू, जैसे मान के चलो, जैसे कोई नॉलेज के बेस पे है, या किसी प्रोडक्ट के बेस पे है, ठीक है, या फिर कोई क्वालिटी, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे तो उसकी क्वालिटी को वो कैसे जज करेगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया गया। ठीक है, जिसको हम लोग ISO बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगर हम लोगों को कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, या कोई ऐसी सर्विस हम लोग को देना है, ठीक है, जैसा हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में देखते हैं, या कॉलेजेस में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ISO सर्टिफिकेशन, या फिर उसका ISO सर्टिफाइड उसको बोलते हैं। ठीक है, ISO 2001:9001 सर्टिफिकेशन, इस टाइप से सर्टिफिकेशन रहता है, या फिर हम लोग कोई ट्रेनिंग लेते हैं कहीं से, तो वो ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या कोई भी कंपनीज जो होते हैं, वो सब अपने आप को सर्टिफाइड करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी नॉलेज मिल रहा है, या कोई वहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है, या अभी कोई भी सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वो अपने क्वालिटी को कैसे जस्टिफाई करेगा कि वो जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक को, वो किस स्टैंडर्ड का है, वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, मतलब वो बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा पब्लिक को, उस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे एक सर्टिफाइड होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ISO, मतलब एक ऐसा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो, मतलब पूरे दुनिया के 160 कंट्रीज़ में अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाता है, जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वाली जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे। ठीक है, जो भी ISO सर्टिफिकेशन लेगा, वो उसी के रूल के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या सर्विसेज वगैरह देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, या जो भी हम लोग यहाँ प्रोटोकॉल्स देखते हैं, ठीक है, या फिर जो यहाँ जो प्रोसेस होता है डेटा ट्रांसफ़र का, ठीक है, जितने प्रोसेस बीच में होंगे, जितने डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, जितने वहाँ पे केबल्स यूज़ होंगे, जो भी वहाँ पे मीडियम यूज़ होगा, सब के सब ये ISO डिसाइड करता है। ठीक है, ISO एक ऐसा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 160 कंट्रीज़ में अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, जिसके अंदर हम लोग वहाँ पे ANSI स्टैंडर्ड्स भी देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सारे भी उसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, क्लियर, देखो यहाँ पे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट इन द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेस्टिंग प्रोसेसेस, वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, सोशल इश्यूज एंड मोर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के हो गए, साइंटिफिक टेस्टिंग, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेंटेन की जाती है। ठीक है,
इसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा में है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड तो सभी जानते होंगे, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, वहीं से सारा चीज़ प्रोसेस होता है, ठीक है। कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आईएसओ इज़ द सक्सेसर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन, आईएसए बोला जाता था इसको पहले, ठीक है, जो ऑपरेट होता था 1928 टू 1942, ठीक है, 1946 में जो था वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, जिसके थ्रू आईएसए मेंबर्स जो थे, ठीक है, दोनों की मीटिंग करके वहाँ पे आईएसओ बनाया गया, ठीक है, आईएसए मेंबर्स और यूएनएससीसी, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, दोनों ने मिल के एक ऐसा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो, मतलब पहले आईएसए और यूएनएससीसी जो था वो अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते थे, ठीक है, अब सबको मर्ज कर दिया, एक साथ पूरा पूरा मर्ज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद से आईएसओ पब्लिकेशन स्टैंडर्ड, यहाँ पे आईएसओ आर, इस टाइप से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स वहाँ पे मेंटेन किए गए अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे जब नेटवर्क की बात होने लगी, ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए, ठीक है। देन आता है पॉपुलर स्टैंडर्ड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है इसका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको हम लोग ओएसआई मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो ओएसआई जो यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया गया, जो मॉडल बनाया गया, ठीक है, वो आईएसओ अप्रूव्ड था, मतलब वो स्टार्ट भी कहाँ से हुआ है, वो आईएसओ से ही स्टार्ट हुआ, मतलब वो स्टैंडर्ड एक मेंटेन किया गया, वही स्टैंडर्ड पूरे के पूरे वर्ल्ड पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। जो पहले स्टैंडर्ड बन चुका था सेम स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो होगा, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आईएसओ के बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। आईएसओ यहाँ पे 27001 है, ठीक है, 6 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं, आईटी सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कंसिस्टेंसी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे हम लोग को मिल जाते हैं। तो हम लोग को इतना सारा चीज़ के बारे में जानना नहीं है, मेन हम लोग को जानना है ओएसआई मॉडल के बारे में, ठीक है। आईएसओ समझ में आया ना, आईएसओ क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया, आईएसओ क्या है, आवाज आ रही क्या मेरी कि नहीं आ रही, आ रही है, समझ में आया आईएसओ क्या है, ठीक है। तो आईएसओ एक ऐसा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड्स बनाता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने मेन फंक्शन पे, ठीक है, मेन चीज़ हम लोगों को जो पढ़ना है यहाँ पे वो है ओएसआई मॉडल, ठीक है। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, क्या होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यहाँ पे कई बुक्स वगैरह में मिलेगा, इंटर नेटवर्किंग भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है, किसी में इंटर नेटवर्किंग भी लिखे रहता है तो वो भी एक प्रकार से सही है, लेकिन इंटरकनेक्शन ज़्यादा सही है, ठीक है। अगर इंटरकनेक्शन कहीं ऑप्शन मिलता है तो हम लोग इंटरकनेक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओएसआई मॉडल एक ऐसा रेफरेंस मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा डेटा जिसको हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फिजिकल मीडियम यूज़ करके मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, ओएसआई एक ऐसा रेफरेंस मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर कोई डेटा हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मूव कर सकते हैं किसी फिजिकल मीडियम को यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे उसी बारे में बोल, ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज़ अ रेफरेंस मॉडल दैट डिस्क्राइब्स हाउ इन्फॉर्मेशन From a software application in one computer moves through physical medium to the software application in another computer network, ठीक है। जैसे कि हम लोग Facebook पे मैसेज करते हैं, सभी लोग करते हैं Facebook पे मैसेज या WhatsApp पे मैसेज करते हैं, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है,
क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना। तो हम लोग अगर फेसबुक मैसेज कर रहे हैं, अगर हम लोग फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं, तो अगर मैंने भेजा किसी को भी, कोई भी एक मैसेज भेजा, ठीक है, तो वो मैसेज जो है वो फेसबुक पे ही मिलेगा। मतलब वो मैसेज मूव कहाँ से कहाँ हो रहा है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं जूम में, ठीक है, तो जूम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। अब मैं यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ, मैंने यहाँ से स्क्रीन शेयर किया, वॉइस शेयर हो रहा है, मतलब डेटा शेयर हो रहा है, ठीक है। तो डेटा शेयर हो रहा है, तो उस डेटा को पहुँचाने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम लोग जूम बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिसीव करने वाले जो हैं आप लोग, तो जो रिसीव कर रहे हैं वो भी कहाँ पे रिसीव करेंगे, जूम पे रिसीव करेंगे, है ना। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो चाहिए हमको, ठीक है। तो OSI रेफरेंस मॉडल जो है वो 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर से लेके अगले, मतलब एप्लीकेशन से लेके फिजिकल लेयर तक, ठीक है। देन उसके बाद रिसीव करने के पास कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड पॉइंट, OSI कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर एंड ईच लेयर परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन, ठीक है। OSI मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO इन 1984 एंड इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल मॉडल फॉर द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। OSI डिवाइड्स द होल टास्क इंटू 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क, ईच लेयर इज असाइंड ए पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। OSI मॉडल को 7 लेयर्स में या फिर 7 स्मॉलर मैनेजेबल टास्क में डिवाइड किया गया है। हर लेयर का टास्क अलग अलग होता है, ठीक है। ईच लेयर इज सेल्फ कंटेंड सो दैट टास्क असाइन टू ईच लेयर कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मतलब हर लेयर का काम अलग अलग होगा और सब अपने आप में जो उनका टास्क असाइन किया गया है वो करते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम को समझना थोड़ा बहुत याद आएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी शायद पढ़े होंगे, पढ़े हैं क्या फर्स्ट ईयर में, वेब टेक में पढ़े हैं ना, बहुत बढ़िया। तो बहुत इजी है फिर, थर्ड यूनिट तो कंप्लीट ही है मतलब फिर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। जनरली हम लोग इसको टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अगर डेटा जाता है तो वो टॉप टू बॉटम पे जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन तक जाए, मतलब फिजिकल से लेके एप्लीकेशन तक जाता है। तो लेयर नंबर 1 जो होता है इसका फिजिकल लेयर होता है, लेयर नंबर 2 जो होता है वो डेटा लिंक लेयर होता है, लेयर नंबर 3 जो होता है नेटवर्क लेयर होता है, ठीक है। लेयर नंबर 4 जो होता है इसका ट्रांसपोर्ट, 5th जो होता है सेशन, 6th जो होता है प्रेजेंटेशन होता है, 7th होता है इसका एप्लीकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से लेके एप्लीकेशन तक होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी होती है, होस्ट की, ठीक है। नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये तीनों जो होता है नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब देखो, जैसे मान के चलो हम लोग ने एक नेटवर्क बनाया, हमारे पास मान लो 5 सिस्टम कनेक्ट है, ठीक है। वो पांचों सिस्टम एक डिवाइस से कनेक्ट होगा जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं, ठीक है। स्विच बोलते हैं, स्विच से एक वायर कनेक्ट होगा जो एक्सटर्नल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतने ही काम करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट, ये होस्ट का काम है, जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब वो दूसरा नेटवर्क बना कैसे है वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वो नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर पे आता है, ठीक है, ठीक है। तो वन बाय वन इसको समझेंगे कि कौन सा लेयर कैसे काम करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं,
ठीक है, उसका टास्क क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आगे। द ओ एस एम मॉडल इज डिवाइडेड इन टू लेयर्स, अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। ठीक है, ये अपर लेयर्स है, जो चार इसके ऊपर वाले जो लेयर्स है उसको अपर लेयर बोलते हैं, और ये तीन जो है उसको लोअर लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, द अपर लेयर ऑफ द ओ एस एम मॉडल मेनली डील्स विद द एप्लीकेशन रिलेटेड इशूज। ठीक है, एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि जो हमारा ये चार लेयर है वो होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ एप्लीकेशन यूज़ होगा, ठीक है, वो डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे सेशन को इस्टेब्लिश करना है और उसका रूट क्या होगा। ठीक है, अगर मान के चलो हम लोग एक फ़ोन यूज़ करें, फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हम लोग, जीमेल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टाइप में बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते रहते हैं, तो सभी जो एप्लीकेशन है सभी के सभी सेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, डेटा को प्रेजेंट करने का काम करते हैं, या जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो डेटा जो है उसी एप्लीकेशन पे ही आएगा। ठीक है, और वो कैसे आएगा वो उसका रूट भी डिसाइड किया जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चार लेयर को हैंडल करना। ठीक है, अब वो डेटा जो है मोबाइल से बाहर निकल गया, ठीक है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस नेटवर्क की। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नेटवर्क की। तो दो लेयर में डिवाइड किया गया है इसको, होस्ट और नेटवर्क। ठीक है, ऊपर के चार लेयर जो है होते हैं उसको अपर लेयर बोलते हैं, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। होस्ट मीन्स जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। ठीक है, बोथ द एंड यूजर एंड द एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड अपर लेयर रेफरेंस टू द लेयर जस्ट अबव द अनदर लेयर। ठीक है, द लोअर लेयर ऑफ द ओ एस आई मॉडल डील्स विद द डेटा ट्रांसपोर्ट इशूज। ठीक है, द डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर आर इम्प्लीमेंटेड इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओ एस आई मॉडल एंड दिस क्लोजेस्ट टू द फिजिकल मीडियम। द फिजिकल लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इन तीन लेयर की बात करें, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर की, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि तीनों लेयर जो है फिजिकली उस डेटा के साथ डील करती है, या फिर जो फिजिकल मीडियम हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल मीडियम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे ये पूरा का पूरा काम करता है। क्लियर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आता थोड़ा बहुत? ठीक है, बस इतना समझो कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होस्ट संभालेगा, दूसरा नेटवर्क संभालेगा। होस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला पार्ट देखता है जो उसके कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, या मोबाइल डिवाइसेस वगैरह जो भी है, वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं आजकल। ठीक है, तो उस पर सॉफ्टवेयर का पार्ट जो देखेगा वो अपर लेयर होगा, जिसमें चार लेयर आते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क संभालता है। कौन कौन सा आता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले लेयर की हम लोग बात करेंगे, वो है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल लेयर में आ जाते हैं, ये सब काम जहाँ ये सब छोड़ो। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फिजिकल लेयर में। ठीक है, फिजिकल लेयर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग फिजिकल मीडियम की बात करते हैं। फिजिकल मीडियम मीन्स क्या क्या आ जाएगा उसमें, जितने भी केबल्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, जो रूटर, स्विच, हब, ये सब हम लोग लगा के रखें वो आ जाएंगे। ठीक है, जो कनेक्टर्स होते हैं अलग अलग वो आ जाएंगे। ठीक है, पोर्ट्स होते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल लेयर के अंदर में आएंगे। मीन्स यहाँ पे जो इंडिविजुअल बिट्स होते हैं, मतलब जो
इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जाता है हम लोग के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। एक्चुअल जो डेटा होता है, ठीक है, जो मशीन लेवल पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, वो सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो फिजिकल लेयर जो होता है, एक ट्रांसमिशन मीडियम जो हमारा होगा, जैसे केबल है, वायरलेस है, ठीक है, इस टाइप से, तो इंडिविजुअल बिट्स को वो मैनेज करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ फ्रॉम डेटा लिंक लेयर L2 डेटा, और यहाँ पे आ रहा है, और इस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, वापस इस जो रिसीव करने वाला है, ठीक है, उसके पास जाएगा और L2 पे वो आगे प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल लेयर में, यहाँ बिट बाय बिट यहाँ पे क्या करेगा, उसको मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे। द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ठीक है, हम लोग यहाँ नोड किसको बोलेंगे, हम लोग यहाँ नोड बोलेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को। ठीक है, एक कंप्यूटर से हम लोग भेज रहे हैं दूसरे कंप्यूटर में डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल लेयर में ट्रांसमिट की जाती है, जितने भी इंडिविजुअल बिट्स होंगे जो एक नोड से दूसरे नोड में सेंड किए जा रहे हैं, ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। इट इस्टेब्लिश, मेंटेन्स, डीएक्टिवेट्स द फिजिकल कनेक्शन। ठीक है, जो भी फिजिकल कनेक्शन होगा, फिजिकल कनेक्शन मीन्स वायर या वायरलेस। ठीक है, यही दो मीडियम होते हैं। ठीक है, या तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा, या डीएक्टिवेट करेगा उसको। ठीक है, क्लियर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर, इस स्पेसिफाइज द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, जितने भी इसके पास अगर मैकेनिकल पार्ट्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल कोई डिवाइसेस होंगी, या प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस से रिलेटेड कोई भी डिवाइसेस वगैरह होंगी, या फिजिकल मीडियम होगा, सारा का सारा चीज़ें इस फिजिकल लेयर के अंडर में आएगी। ठीक है, अब इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं इसके फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़े थे क्या होता है, फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं हम लोग क्या होता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, उसको हम लोग दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कैसे फिजिकली कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। ठीक है, यही बताया था मैंने, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके इसको कनेक्ट किया जाता है। मतलब दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, सेकंड आता है डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके पहले हम लोग देखते हैं टोपोलॉजीज क्या होता है। टोपोलॉजीज पता है सबको क्या होता है, कि कैसे नेटवर्क डिवाइसेस को अरेंज किया जाता है, कैसे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, टोपोलॉजीज हम लोग पढ़े थे बहुत सारे, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, ये सारे टोपोलॉजीज। ठीक है, इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे हम लोग का कंप्यूटर कनेक्ट किया गया है जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस है उससे। ठीक है, मतलब किस फैशन में हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन आता है डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड, वेदर इट इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड बिटवीन द टू डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन के बारे में भी हम लोग ने सेकेंड यूनिट में पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़े। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है। ठीक है, कैसे डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है, कौन कौन से उसमें मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। क्लियर, समझ में आया।
ठीक है। फिर आता है सिग्नल्स, ठीक है, इट डिटरमाइन द टाइप ऑफ द सिग्नल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ किस टाइप का सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सिग्नल्स आती हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन इसके चार फंक्शन है, लाइन कॉन्फिगरेशन, टोपोलॉजी, डेटा ट्रांसमिशन और सिग्नल्स। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो ये था फिजिकल लेयर, जो फिजिकल डिवाइसेस जो हम लोग को दिख रही है, ठीक है, स्विच हम लोग को दिखता है, केबल हम लोग को दिखता है, कंप्यूटर्स हम लोग को दिखते हैं, कैसे उसको आपस में कनेक्ट करते हैं, और जितने भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं वो सारे को मैनेज करता है। क्लियर, तो ये था फिजिकल लेयर।